सर यशोदा नगर पर आते थे सर, तब सर से मिलना हुआ, सर से बताया कि सीडीएस की तैयारी करनी सर, बोले मैं तब से पढ़ लो इंग्लिश पढ़ लो बाकी देख लो अपने हिसाब से, पूरा बैच एसएससी सीडीएल का फॉर्म भर रहा था, हमने भी भर दिया, फ्री भी हो गया, मेंस में कुछ नंबर से रह गया, लेकिन समझ में आ गया एसएससी गेम बढ़िया है, जॉब भी अच्छी है, इसको किया जा सकता है। फिर लगे रहे, तैयारी करते रहे, कई बार असफल हुए, पिछले साल लगभग सबको बता दिया था कि लग गई है नौकरी, सीएचएसएल में कट ऑफ से 10 नंबर ज़्यादा थे लेकिन टाइपिंग नहीं निकली। तो ऐसा समय रहा है जब किस्मत ने सब कुछ दे के सब ले लिया, लेकिन ऐसा समय भी आया है जो जितना नहीं सोचा था वो भी मिल गया। तो आप बेहतर है कि आज के समय में उस समय का इंतजार करिए जब समय आपके साथ होगा, क्योंकि अभी कुछ नहीं कर सकते हो, सिर्फ पढ़ सकते हो। लेकिन हाँ, ये मैं आपसे कह सकता हूँ कि जब आप ऐसे ही पढ़ते रहोगे और फिर जिस दिन वो दिन आएगा जब फाइनली कहीं नाम आएगा, वो उसके बाद तुम्हें अपने दुख दर्द याद ही नहीं रहेंगे, इतने सुख की अनुभूति तुम्हें हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं रहेगी, घर वाले तुमको हीरो मानेंगे, गली मोहल्ले की सेलिब्रिटी हो जाओगे, ठीक है, जो ताने मारते थे वो तारीफ करेंगे, ये सब होगा। बट उसके लिए आज आपको अपनी मेहनत छोड़नी नहीं है। मुझे पता है कई बार चीजें बहुत टफ हो जाती हैं हमारे।